नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी, इससे क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास को गति मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र अफ्रीकी देश और अरब देशों के नेता सूडान में संघर्ष समाप्त करने के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए आज वर्चुअल बैठक करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का महत्व भारत के लिए अधिक है, क्योंकि बौद्ध धर्म का उदय सबसे पहले भारत में ही हुआ था। इसमें लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें विदेशों के लगभग 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल होंगे। पहली बार विभिन्न देशों के प्रमुख बौद्ध भिक्षु भारत आएंगे और शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होगी कि बौद्ध दर्शन और विचार की मदद से समकालीन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। यह वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ाने का एक माध्यम भी होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपने देशों में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा से निपटने के उपायों से संबंधित जानकारी साझा करेंगे। ये प्रतिनिधि शंघाई सहयोग संगठन की व्यवस्था के अंतर्गत आपदा आपात स्थिति में नवीन कार्यप्रणालियों, प्रौद्योगिकियों और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं के बारे में भी अपने विचार साझा करेंगे। श्री शाह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के अवसर पर सदस्य देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है और इस मंच की विभिन्न व्यवस्थाओं को समर्थन प्रदान करता रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन से क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास को गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल नई दिल्ली में एक बैठक में इस संबंध में निर्णय किया। इस मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास में वृद्धि करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मिशन को वर्ष 2023-24 से 7 वर्ष की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस मिशन से विश्व में भारत को एक नई ऊंचाई मिलेगी। इस मिशन से संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्र के साथ साथ औषधि डिजाइन और अंतरिक्ष एप्लीकेशन में बहुत फायदा होगा। पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण को लेकर के अनेकों क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं, अनेकों पाथ ब्रेकिंग डिसीजन जैसे अंतरिक्ष को खोल देना फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जैसे जियो स्पेशल की नई पॉलिसी लाना, एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी इज द वन विच इज एसेंशियली रिलेटेड विद इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग विच इंक्लूड्स द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल शिगांव सीट से नामांकन पत्र भरा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया ने वरुणा से पर्चा दाखिल किया है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार ने हुबली धारवाड़ मध्य निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। 62 महिलाओं सहित 935 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। इसके साथ ही अब तक 3000 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और मतगणना 13 मई को होगी।
ये पहली बार निर्वाचन आयोग ने 80 से ऊपर के आयु वाले मतदाता और दिव्यांगों के लिए वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी है। जिनको इस सुविधा की जरूरत थी उनको अप्रैल 17 तारीख से पहले 12 डी पर्ची जमा करनी थी। बेंगलुरु नगर निगम ने इन घरों की पहचान कर ली है। चुनाव दिनांक से 4 या 5 दिन पूर्व इन घरों में अस्थायी पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बूथ स्तर के अधिकारी, पुलिसकर्मी और वीडियोग्राफर इन घरों में जाकर मतदान प्रक्रिया पूरी करेंगे। मतदाता एकांत में वोट करने के बाद उसे एनवेलप में डालकर अधिकारियों को सौंपेंगे, जिस एनवेलप को सील किया जाएगा। इन सभी प्रक्रिया को वीडियोग्राफर कैद करेगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट एवरी थर्सडे एट 5:30 PM ब्रिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंचांटिंग स्टोरीज फ्रॉम द 8 इंडियन स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। In this week's Northeast Diary, on 20th April 2023, we bring an exclusive interview with bureaucrat cum writer Madhusudan Nath. Looking forward to seeing you there. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर लगे संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुबंध में वैधानिक दायित्वों को भी शामिल करें। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में अनुबंधित श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से लोगों को काम पर रखने के अनुबंध में सरकारी ई मार्केटिंग पोर्टल पर 6 वैधानिक दायित्वों को शामिल किया है। केंद्रीय श्रम सचिव आरती आहूजा ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यालयों में अनुबंधित श्रमिकों को कम वेतन भुगतान के बारे में भी चिंता व्यक्त की। सरकार ने फिल्म सामग्री की चोरी रोकने के लिए चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 लाने का निर्णय किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इस संबंध में 2019 में विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और विचार के लिए उसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। भारतीय फिल्म जगत, चाहे वे द एलिफेंट विस्परर्स स्मॉल डॉक्यूमेंट्री के नाते क्यों ना, लेकिन एक बड़ा नाम कमाया है। RRR फिल्म बड़ी रीजनल से इंटरनेशनल हुई हो या नाटू नाटू की धूम हो, ये भारतीय कंटेंट के कारण हुआ है। तो पायरेसी से इनको नुकसान ना हो, सिनेमाटोग्राफ एक्ट जो है उस दिशा में बनाया गया है। ज्यादा चर्चा उसकी जब पार्लियामेंट सत्र होगा तब आएगा, लेकिन एक बहुत क्रांतिकारी कदम उस दिशा में उठाया गया है जिससे पूरे फिल्म जगत को बहुत लाभ मिलने वाला है। संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी देश और अरब देशों के नेता सूडान में संघर्ष समाप्त करने के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए आज वर्चुअल बैठक करेंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता ने कहा है कि महासचिव अंतोनियो गुतरश सूडान में संघर्ष समाप्त करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। श्री गुतरश तनाव कम करने और हिंसा प्रभावित सूडान में शांति बहाली के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष, अरब लीग के महासचिव, पूर्वी अफ्रीकी ब्लॉक IGAD के कार्यकारी सचिव और अन्य संबंधित संगठनों के साथ चर्चा करेंगे। Humanitarian situation in Sudan was already precarious and is now catastrophic. I condemn the deaths and injuries to civilians and humanitarian workers and the targeting and looting of premises. I have spoken during the weekend with the 2 Sudanese leaders and I am actively engaging with the AU, the Arab League and leaders across the region. And I reaffirm that United Nations stands with the people of Sudan. इस बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तथा अमरीका जैसे प्रमुख भागीदार देशों के साथ बातचीत कर रहा है। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रधानमंत्री का कोरोना वैक्सीन पर विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री।
हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 73वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का कोरोना वैक्सीन पर विचार, जिसमें उन्होंने वैक्सीन कूटनीति और भारत की कामयाबी की बात की है। एक दौर था जब भारत दवाओं और वैक्सीन के लिए विशेषकर पश्चिमी मुल्कों पर निर्भर था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कोरोना की महामारी से जब दुनिया घबराई हुई थी, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे चुनौती की तरह लिया। इसका असर हुआ, भारतीय वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में कोरोना की वैक्सीन बना डाली। इसके बाद हमारे उत्पादकों ने कमान संभाली और वैक्सीन की इतनी खुराकें बनने लगी कि उससे देश में कोरोना टीकाकरण तो तेज हुआ ही, भारत विदेशों को भी वैक्सीन का निर्यात करने लगा। भारत की इस कामयाबी को 31 जनवरी 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने यूं याद किया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है, हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। जयपुर में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 144 रन ही बना सकी। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। एक अन्य मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विमलेंदु। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट खबरों की बड़ी खबर है। नवहरा टाइम्स की सुर्खी है, चीन को पीछे छोड़ आबादी में नंबर वन बना भारत। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, सबसे ज्यादा होंगे हिंदुस्तानी। जनसत्ता संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के हवाले से लिखता है, भारतीयों को सता रही है बढ़ती आबादी की चिंता। नवभारत टाइम्स का कहना है, जल्द बढ़ाना होगा इकोनॉमी का आकार। वर्ष 2050 से जनसंख्या में हो सकती है गिरावट। भारत में पुरुषों की औसत आयु 71 और महिलाओं की 74 वर्ष। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की मंजूरी पर दैनिक जागरण का कहना है, विश्व में क्वांटम तकनीक में धाक जमाएगा भारत। 6000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को केंद्र की मंजूरी। अभी केवल 6 देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, कई गुना डेटा की चंद पलों में होगी प्रोसेसिंग। इसका फायदा संचार, स्वास्थ्य, औषधि, ऊर्जा तथा वित्तीय सेक्टर सहित अनेक क्षेत्रों को मिलेगा। अमर उजाला की बड़ी खबर है, रिटायर जजों को सुविधाओं के आदेश की अवहेलना पर 2 आला अफसर हिरासत में। उत्तर प्रदेश में वित्त विभाग के सचिव और विशेष सचिव न्यायिक अभिरक्षा में, आज तय होंगे आरोप। मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव भी तलब, रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार। कर्नाटक विधानसभा चुनावों की सरगर्मी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चुनाव में निःशुल्क में रेवड़ियां बांटने पर राजनीतिक दलों का जोर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को स्वीकृति दी, इससे क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास को गति मिलेगी। और संयुक्त राष्ट्र अफ्रीकी देश और अरब देशों के नेता सूडान में संघर्ष समाप्त करने के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए आज वर्चुअल बैठक करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।